तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों की एक और मांग के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। उन्होंने कहा कि यह किसान संगठनों की बड़ी मांगों में से एक मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 दिसंबर 2015 को फसल अवशेषों पर जलाने का प्रतिबंध लगा दिया था। पराली जलाने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी की जाती थी। पराली जलाते पकड़े जाने पर 2 एकड़ भूमि तक 2,500 रुपए, 2 से 5 एकड़ भूमि तक 5,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता था। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयक को सूचीबद्ध किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद मोदी कैबिनेट ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सिंधु बॉर्डर पर बैठक में 29 नवंबर को होने वाली संसद तक ट्रैक्टर मार्च को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार को 4 दिसंबर तक का समय दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि 29 नवंबर का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है, हम इस पर 4 दिसंबर को फैसला लेंगे। प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी सौंपी है, अगर 4 दिसंबर तक उस चिट्ठी पर सार्थक जवाब नहीं आया तो आगे का रुख तय करेंगे। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे के साथ बातचीत की मेज पर लौटना होगा। सरकार की आज की घोषणा से हम सहमत नहीं हैं। आकाशवाणी से हम सहमत नहीं होंगे, आमने सामने बैठकर बात करें। कृषि कानून वापस होने के बाद भी MSP समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में निम्न प्रकार के फैसले लिए गए हैं। बता दें किसानों और सरकार के बीच अभी भी गतिरोध बरकरार है। जहां मोदी सरकार बार बार किसानों की मांगों के आगे झुक रही है, तो वहीं किसान MSP समेत अन्य मांगे सरकार से मनवाने के लिए आंदोलनरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JMD खबर।